लोकेश पांडे चैनल के हमारे इस स्टूडियो में एक अच्छे जानकार व्यक्ति जो आए हैं, जो हमारे बगल बैठे हुए हैं, ये इनका लगातार आप प्रोग्राम नया हम शुरुआत करने जा रहे हैं अपने चैनल पर, जो भविष्य संबंधित एस्ट्रोलॉजिस्ट जिन पर विश्वास किया जा सकता है, किया भी जाता है, वैसे चीजों के बारे में ये आपको बताएंगे। हम सीधा चलते पहले इनका खुद परिचय लेते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम आरपी सिंह उर्फ आमोद कुमार सिंह। अच्छा, और कहाँ के रहने वाले आप हैं? मैं मोतिहारी डिस्ट्रिक्ट से हूँ और घोड़ासन थाना के अंतर्गत कवैया मेरे गांव का नाम हुआ। अच्छा, ये बताइए कि आप किस विषय पर, जो आपका जो जिसमें विशेषज्ञ है, जानकार है, हिंदुत्व के सनातन के अनुसार गौ की गणना करने में, काल करने में आप बताते हैं, जमीन संबंधित हर व्यक्तियों के जीवन में समस्याएं होती हैं। जैसे कि आप, हम चाहते हैं कि आप हमारे दर्शकों को बताइए कि बहुत लोग जमीने संबंधित लोग विवाद में पड़ते हैं, सोच नहीं पाते क्या होगा, या कई जीवन में काल है, तो थोड़ा सा हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को आप बताए जाए थोड़ा सा। सबसे पहले मैं अपना सौभाग्य समझता हूँ कि आज सुदर्शन चैनल के बिहार के प्रभारी श्री बालेश्वर राव के साथ मुझे ये मौका मिला। मैं उनको हृदय से धन्यवाद देता हूँ। और जब जो भी प्राणी इस पृथ्वी पर अवतरित हुए हैं, उनके साथ बचपन से लेकर के और मरणोपरांत तक वो समस्याएं रहती हैं। उसमें मुझे डिफाइन करना पड़ता है कि कौन सी समस्या किस विषय वस्तु से है, या किस शास्त्र से रिलेटेड है, या किस जैसे डॉक्टर से है, वैद्य से है, कोई एस्ट्रोलॉजी से है, कोई शास्त्र से जुड़ा हुआ है, उसको पहले हमको सबसे पहले डिफाइन करना पड़ता है। और उसमें किसी भी तरह की परेशानी हो, आज हिंदू शास्त्र इस तरह से उलझा हुआ है क्योंकि जो जहां से अपना ये गुण पाया है वो उसी रास्ता को सबसे सुगम समझता है। आज वही स्थिति हमारी है कि आज डॉक्टर के पास जाऊं तो वो बीमारी है, एस्ट्रोलॉजर के पास जाऊं तो ग्रह और नक्षत्र का दोष है, और वही किसी झाड़ फूंक वाले के पास जाते हैं तो वो किसी न किसी डाइन जोगिन या उसको किसी झाड़ फूंक से संबंधित ही उसको दर्शा देते हैं। बताइए कि आपने जो बताया, जो जिस तरह विश्लेषण आप करेंगे लगातार प्रतिदिन, और ये तो हम चाहेंगे कि आप हमारे स्टूडियो में, हम आपको, हमारे पूरे दर्शक आपसे आनंद लेना चाहेंगे, आप समय निकाल करके हमारे स्टूडियो में आवे और आप समय देंगे, बताएंगे। ये हमारे बगल में सिंह साहब ने बताया, हालांकि इनसे हमारी वार्तालाप हुई थी, उन्होंने बताया कि अलग से भी अपना एक वैकल्पिक व्यवस्था जनहित लोकहित में लोगों को निज लाभ करने के हेतु, यह भी हो सकता है अलग से भी चैनल बना सकते हैं। तो चलिए, अगर आप चैनल बनाते तो आपको अच्छे काम के लिए हम आपको बधाई देंगे आपको, और साथ साथ जब भी वक्त मिले तो आप हमारे स्टूडियो में आकर के ऐसी चीजें जो जिसको लोग खो रहे हैं, जिन पर विश्वास उठता जा रहा है, लेकिन ऐसी बात नहीं है, पहले के समय में कहां कुछ इस तरह की वैज्ञानिक चीजें हुआ करती, लोग आसमान देख के लोग बता देते थे इतना वक्त इतना मिनट हुआ है, नाड़ी छू के लोग बता देते तुमको ये बीमारी हुआ है, उसके बॉडी लैंग्वेज शरीर के चिन्हों को देख के लोग बता देते थे कि क्या होगा। तो चलिए, अच्छी सी बात हम बताएंगे और उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द आपके बीच हम एक स्पेशल एक एपिसोड चलाने जा रहे हैं, जो इनका आएंगे, आप सीधा इनसे हम ऐसी व्यवस्था करने जा रहे हैं कि कोई भी प्रश्न आप सीधा पूछेंगे, सीधा उत्तर मिलेगा। इन शब्दों के साथ फिर मिलेगा आपको। ये मेरा सौभाग्य होगा।